मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खूंटी में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में 437 करोड़ 48 लाख की 76 योजनाओं का शिलान्यास और 406 करोड़ 20 लाख की 27 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। वहीं 11,841 लाभुकों के बीच 88 करोड़ 64 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के कार्यक्रम के तहत खूंटी में आयोजित शिविर अब तक 64,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अबू आवास के 34,000 से अधिक आवेदन शामिल हैं और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक वो हैं पदाधिकारी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनता के द्वार खटखटाने के लिए खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस काम में कोई बिचौलिया सामने आता है तो इसकी जानकारी मिलने पर उचित कार्रवाई होगी। उन्होंने बेटियों को सिर्फ डिग्री लेने के बजाय उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने की नसीहत दी। जब राज अलग हुआ था ना उस समय हम लोग का सरप्लस बजट था, मतलब राज सरकार के पास पैसा बहुत था, लेकिन 20 साल में वो सरप्लस बजट घाटे के बजट में चला गया। कहां चला गया वो पैसा, किसके जेब में चला गया वो पैसा, पूरा खजाना खाली कर गया, गरीबों का हक अधिकार मारा, यहां के कर्मचारियों के हक अधिकार को मारा। आज हम जब सरकार पे आए तो आज इन लोगों ने कहा चलो राज अलग हो गया तो क्या हुआ, राज तो हम ही लोग करेंगे, यहां का आदिवासी को थोड़ी चलाने आएगा राज। और सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिराने में लगे, विधायक की खरीद फरोख्त करो यही करो, हमारे कोई जात बिरादरी के भाई लोग उनके एजेंट बनकर के काम करते हैं और हमें एकजुट नहीं रहने देते। और आज इतनी मजबूती के साथ हर घड़ी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं, कभी हमको जेल ले जाने का, कभी हमको इसका डराव उसका डराव धमकाने का काम करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। दो तीन साल के बाद इस राज को अपने जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लेना चाहिए, लेकिन 20 वर्षों में इस बच्चे का हमारे जो विरोधियों ने लगातार कमजोर करने का उसका खून चूसने का काम किया और आज इसको बीमारू राज बना के रखा। अभी विगत 3-4 साल से मैं लगातार जो हमारा गांव के लोग हैं उनको मजबूत करने में लगा हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिन प्रस्तावों पर सहमति बनी है उनमें